ऑलराइट, सो आज हम बात करेंगे क्या होती है धारा 309 ऑफ IPC। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एज आई ऑलवेज से इन ऑल द वीडियोस, नो बेरेक्ट की लैंग्वेज, कोई एल्यूजिव लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रो। Just a young gun with a quick fuse, I was uptight, wanna let loose, I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind। Okay, तो ये धारा डील करती है अटेम्प्ट टू सुसाइड, यानी कि अगर आप मरने की कोशिश करते हो तो ये धारा आपके ऊपर अप्लाई होती है। तो देखो कितना अच्छा लॉ है हमारा इंडियन लॉ IPC, आपको मरने भी नहीं देता, यानी कि मरने पे भी सजा है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस सेक्शन। सपोज ए पर्सन है, वो सुसाइड करने के लिए जा रहा है, गॉट इट, सुसाइड करने के लिए वो जा रहा है, उसने कोशिश की बट वो बच गया, उसने कोशिश की लेकिन वो बच गया। तो ऐसे में क्या उस पर ये सेक्शन अप्लाई होगा, तो उसे 5 साल तक की सज़ा होगी। बट जनरली होता क्या है, कोई सज़ा होती नहीं है नॉर्मल केसेस में, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि धारा 309 क्या होती है, गॉट इट। तो अगर सपोज अटैम्प्ट करे, यानी कि किसी पर्सन ने सुसाइड करने की कोशिश करी, तो मर गया तो ठीक है, गॉट इट, लेकिन अगर वो बच गया तब ये सेक्शन अप्लाई होता है, यानी कि अटैम्प्ट टू सुसाइड। अगर आप मरने की कोशिश करते हो तो ये धारा अप्लाई होती है, इसमें 5 साल तक की सज़ा होती है, गॉट इट, और बदनामी अलग से जो भी है। सो मॉरल ऑफ दिस वीडियो इज़ सेक्शन 309 क्या होता है, एंड सेकंड मॉरल इज़ डू नॉट ट्राई दिस टाइप ऑफ स्टेप्स एट होम और एट एनीवेयर। कभी भी सुसाइड की कोशिश ना करें, ऐसी सिचुएशंस ना हैंडल करें, ऐसे सुसाइड्स के कदम ना उठाएं, गॉट इट। सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।